वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो चलो आज हम जाएंगे मुल्तान मार्केट और लमाटक मार्केट। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुल्तान और लमाटक मार्केट। दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी ब्रोट वैली और ट्राउट फिश फार्म। ब्रोट वैली नेचुरल सुंदरता और सी एनिमल ट्राउट फिश के लिए बहुत जानी जाती है। टूरिस्ट इसे बहुत पसंद कर PWD रेस्ट हाउस। देखिए दोस्तों लमाडग मार्केट की शुरुआत इन दो बड़े होटलों से होती है। चलो चलते हैं आगे, लेक पैराडाइज दिखाई दे रहा हो। ये दोस्तों आपको आभूषण की, कपड़े की और यहाँ के लोकल कल्चर की दुकानें दिखाई दे। दोस्तों कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो जूते और करियाने की शॉप और सूरत हार्डवेयर की शॉप। चलो चलते हैं। दोस्तों आपको बोर्ड से पता ही चल पड़ा होगा कि एक सड़क मुल्तान की ओर और दूसरी जोगिंदर नगर और तीसरी लोहारडी की ओर जाती है। देखिए नदी का कितना सुंदर नज़ारा है। इस नदी का नाम लमाडग है और इस पुल का नाम लमाडग पुल है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों नदियां आगे जाकर एक में समाहित हो रही हैं जिसका नाम उहुल नदी है। चलो आपको शायद पता नहीं होगा कि मुल्तान कांगड़ा ज़िले में और मंडी ज़िले में ब्रोट आता है। दोस्तों इस ग्राउंड में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मेले का शुभारंभ किया जाता है और बहुत सुंदरता और धूमधाम से उस मेले को मनाया जाता है। चलो चलते हैं मुल्तान मार्केट में। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। सूर्यवंश। दोस्तों ऊल नदी दिखाई दे रही होगी और सामने की ओर ब्रोट मार्केट, ब्रोट गांव। दोस्त अब हम मुल्तान मार्केट में चल रहे हैं और इस मार्केट से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पापा जी की पुरानी दुकान इसी मार्केट में थी और मैं भी बचपन से मुल्तान मार्केट में रहा हूँ। ग्राउंड में बहुत खेले हैं, इन सड़कों में बहुत यादें हैं। चलो आपको आगे पापा जी की दुकान दिखाता हूँ। देखिए पापा जी की दुकान पुरानी वाली। दोस्तों यहाँ पर मंदिर है और आपको ताज रिवर व्यू दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए अंकल की दुकान। दोस्तों आपको PNB बैंक दिखाई दे रहा होगा, ये तहसील मुल्तान। और आगे दोस्तों जी रेजिडेंस। और चलिए आगे की ओर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए कितने सुंदर दोस्तों देखो कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है मुल्तान का। देखिए चलो मैं आज ज़्यादा शूट नहीं कर पाया इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द लाऊंगा। चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चलो मिलते हैं कल। बाय, शब्बा खैर।
जय भोलेनाथ, सबको खुश रहो और खुशियाँ बांटो। ओके बाय।